हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। ये आज आप देखोगे HP की 12 एक कार्टेज रिफिलिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक सुआ चाहिए होता है, 9 प्लस एक स्क्रू ड्राइवर, उसी से ये कार्टेज रिफिल होती है। इसमें अंदर पिन होती है, उस पिन को हम एक सुए से ही निकाल सकते हैं, ऐसे वो पिन नहीं निकलेगी, ये पिन बाहर निकलती है। दो पिनें बाहर निकालनी होती है, ये पिन बाहर निकाल लें। इस प्रकार ये हमारी कार्टेज दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक होता है रिसाइकिल बिन पार्ट होता है, और एक में आपकी मैग्नेट और इंक होती है। ये मैग्नेट और इंक वाला है जिसमें हम पाउडर डालते हैं, ये वेस्टेज वाला रिसाइकिल जिसमें इंक आती है, ये वो वाला पार्ट होता है। तो ये इस प्रकार आप देखोगे कैसे रिफिल होती है। इसको खोल के हमें डस्ट निकालनी पड़ती है, ये हमारी, फिर हम उसके बाद इंक डालते हैं। इस प्रकार हमारी 12A की कार्टेज रिफिल होती है। यदि आप भी कर सकते हो।